मानो या ना मानो, विचार हकीकत में बदल जाते हैं और आप जिस चीज को रियलिटी मानते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके देखने का दृष्टिकोण कैसा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मानसिक रूप से बीमार अपराधियों को ठीक कर दिया, उनका इलाज करके नहीं बल्कि एक जादुई तरीके से। वो जादुई तरीका और कुछ नहीं बल्कि एक सीक्रेट हीलिंग प्रेयर है, जिसे आप हो पोनो पोनो नाम से भी जानते होंगे। हो सकता है आज हो पोनो पोनो नाम सुनकर आपको कठिनाई हो रही हो, पर अगर एक बार आप इसे रूबरू हो गए तो आप अपने जीवन को बदलने की चाबी अपने हाथ में पा सकते हैं और ये जादू आपको अंदर से हील करेगा और बाहर की सभी परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। आप सभी का मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। आज की वीडियो है होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में, एक ऐसी टेक्निक जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने में हमारी सहायता करती है। इसकी शुरुआत करते हैं डॉक्टर ह्यू लेन से। डॉक्टर ह्यू लेन को मानसिक रूप से बीमार अपराधियों को ठीक करने का काम दिया गया। वहां उन्होंने उनका इलाज उस तरीके से नहीं किया जैसे साधारण रूप से किया जाता है, बल्कि कुछ आश्चर्यजनक किया। वो हर रोगी का रिकॉर्ड पढ़ते थे और बीच बीच में अपनी आंखें बंद करते थे और उसके बारे में कुछ सोचते थे। सब लोगों को लगता था कि ये डॉक्टर बड़े अलग तरीके से इलाज कर रहे हैं, पता नहीं इलाज होगा भी या नहीं। परंतु ह्यू लेन के इस चमत्कारिक इलाज ने धीरे धीरे सभी मरीजों को ठीक कर दिया और एक ऐसा समय आया कि उस असाइलम को बंद करना पड़ा। ऐसा क्या किया था डॉक्टर ह्यू लेन ने कि मरीज अपने आप ठीक हो गए थे? उनकी फाइलें देखने से, उनके बारे में सोचने से मरीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में डॉक्टर ह्यू लेन बताते हैं कि उन्होंने होपोनोपोनो टेक्निक का यूज किया, जिसमें रोगियों के बारे में सोचकर और अपने आप को उसका जिम्मेदार मानकर चार चरणों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने ब्रह्मांड के साथ अपने आप को जोड़ा और उन रोगियों को धीरे धीरे ठीक कर दिया। होपोनोपोनो टेक्निक हवाईयन टेक्निक है और हवाईयन टेक्निक कहती है कि हमारे पास तीन तरह का शरीर होता है, एक स्पिरिचुअल बॉडी, एक मेंटल बॉडी और एक इमोशनल बॉडी। ये सभी हमारे इस बॉडी का हिस्सा है जो सभी लोग देख पाते हैं और होपोनोपोनो एक ऐसी टेक्निक है जो इन तीनों टाइप की बॉडीज को जोड़ती है और इन तीनों के जुड़ने से अपने आप को ठीक करने की एक प्रक्रिया निकालती है। होपोनोपोनो का सीधा सा अर्थ है चीजों को सही बनाना, ब्रह्मांड में किसी भी चीज के लिए क्षमा मांगने के लिए एक प्रार्थना करना, अपनी पुरानी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को भुलाकर एक नई तरह की रिवायरिंग करना, क्योंकि यदि सबकॉन्शियस की रिवायरिंग हो गई तो जीवन की रिवायरिंग होनी तो आपके हाथ में है। होपोनोपोनो के अनुसार जो भी कुछ आज आप महसूस करते हैं वो आपका दिमाग आपको महसूस कराता है। आप जिन लोगों से मिलते जुलते हैं उनका प्रभाव आप पर और आपका प्रभाव उन पर पड़ता है। एक साधारण सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है और आपके द्वारा दिखाया गया एक बैड रिस्पॉन्स किसी व्यक्ति का पूरा दिन खराब भी कर सकता है। अगर आप किसी को थैंक यू करते हैं तो वो उनके जीवन को एक अलग दिशा में ले जा सकता है। आप अपने जानने वाले हर व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। यदि आपने इस बात को समझ लिया तो अपने आप को एक ताकतवर व्यक्ति महसूस करेंगे जो अपनी और दूसरों की जिंदगी को बदलने की हिम्मत रखता है। यदि आप अपने जीवन में आने वाले नेगेटिव विचारों को सोच सकते हैं तो उनको बदलने का काम भी आपके ही हाथों में है। होपोनोपोनो ऐसी ही एक टेक्निक है जो आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है, आपको अपने जीवन पर पूरा कंट्रोल देती है और आपके जीवन को बदलने का एक मार्ग दिखाती है। होपोनोपोनो चार तरह के मंत्रास पर काम करती है। नंबर एक, मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। नंबर दो, मुझे क्षमा कर दो, फॉरगिव मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नंबर फोर, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम अपने आप को ठीक करके दूसरों को ठीक कैसे कर सकते हैं उसके लिए ही ये चार स्टेप्स बताए गए हैं। दूसरों को ठीक करने के लिए पहले खुद को ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारे भीतर जो नेगेटिविटी आती है वो हमारे ही दिमाग की उपजाई हुई है। हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों से आने वाली वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, परंतु यदि अपनी वाइब्रेशंस को पावरफुल बना लिया तो दूसरों की वाइब्रेशंस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। इससे पहले कि आप होपोनोपोनो की प्रैक्टिस शुरू करें, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप किसे ठीक करना चाहते हैं। आप इसे अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ तक कि अनजान लोगों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये सोचना होगा कि जब कोई व्यक्ति उस स्थिति से गुजर रहा है तो वो कैसा महसूस करता है।
आपको इस टेक्निक को करने के लिए लोगों के पास होना जरूरी नहीं है, बल्कि आप दूर बैठे बैठे भी अपने वाइब्रेशंस के थ्रू लोगों को ठीक कर सकते हैं, और अपने आप को ठीक करना भी इसी का एक हिस्सा है। होपोनोपोनो के 4 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, जब आप कहते हैं आई एम सॉरी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम अपनी परिस्थितियों और अपने दिमाग में आने वाले विचारों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि जो भी परिस्थितियां आज उत्पन्न हो रही हैं वो अपने ही विचारों का परिणाम है, उसी वक्त हम उन विचारों को सोचने के लिए इस ब्रह्मांड के सामने माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा। जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन में पैसे की तंगी महसूस कर रही हैं। वो पैसे की तंगी ब्रह्मांड या भगवान के द्वारा नहीं दी गई है, वो पैसे की तंगी आपने अपने विचारों से उत्पन्न की है, क्योंकि बचपन से आप यही सोचते आए हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा कमा लिया तो उसको बनाए रखना और भी मुश्किल है। कभी कभी तो पैसा कमाने के लिए गलत काम करना पड़ता है। जो लोग सही तरीके से पैसा कमाते हैं उनको तो बहुत ही कम पैसा नसीब होता है। जो व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो अमीर होते जाते हैं। अगर पैसा कमाना है तो दिन रात काम करना पड़ेगा तो भी उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर हम इस तरह की अवधारणाओं को सुनते हुए बड़े हुए हैं और यही बातें हमारे दिमाग में घर कर गई हैं, और आज अगर हम अपने जीवन में पैसे की तंगी महसूस कर रहे हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे ही विचारों की वजह से हम इस जीवन में इन सभी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप होगा सॉरी कहना अपने उन विचारों के लिए जिन विचारों की बदौलत आप इस जीवन को जी रहे हैं। जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं आई एम सॉरी क्योंकि मेरे दिमाग के विचारों की वजह से ही मैं इस तरह के जीवन को जी रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने सोची हैं वो गलत हैं। जैसे ही आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और सॉरी फील करते हैं, आपको ये रियलाइज होने लगता है कि अब आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्रामिंग करने का समय आ गया है। जो विचार आपने इतने समय से अपने दिमाग में कूट कूट कर भरे हुए थे उनको निकालने का और बदलने का समय पास आ गया है। एक बार एक्सेप्ट करते ही ब्रह्मांड से आप कनेक्ट होने लगते हैं। अगला स्टेप, जब आप कहते हैं फॉरगिव मी। अपनी बातों को एक्सेप्ट करने के बाद जब आप ब्रह्मांड से बोलते हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दें, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बातों को एक्सेप्ट करके अब उसको नए तरीके से बदलने का निर्णय ले लिया है। आपने गलत किया है या नहीं किया, लेकिन आप अपने आप की क्लीनिंग करना चाहते हैं, आप अपने कर्मों की क्लीनिंग करना चाहते हैं। जब आप इस बारे में यूनिवर्स से माफी मांगते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि अब मैं अपनी पुरानी सभी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक नया कनेक्शन महसूस करना चाहता हूँ, मैं अब कमी की तरफ नहीं बल्कि प्रचुरता की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं अबंडेंस में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, पैसे के बारे में अब नए अच्छे विचार लाना चाहता हूँ, और यूनिवर्स आपको क्षमा कर देता है। नंबर 3, धन्यवाद। जब आप बार बार धन्यवाद करते हैं तो आप अपने अच्छे और सही विचारों के साथ धन्यवाद करते हैं। आप यूनिवर्स को बताते हैं कि धन्यवाद मेरे जीवन में प्रचुरता के लिए, मेरे जीवन में सही मात्रा में पैसे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जीवन को और मेरे विचारों को बदल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में सकारात्मकता को भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में पैसे को एक पॉजिटिव हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपकी रीप्रोग्रामिंग कंटिन्यूस होने लगती है। जब आप बार बार ग्रैटिट्यूड के थॉट्स अपने अंदर लाते हैं तो यूनिवर्स यह समझने लगता है कि आप एबंडेंस का पार्ट हैं, कमी का नहीं, और आपको वो चीज़ें मिलने लगती हैं। आपके जीवन में ऐसे मोड़ आने लगते हैं जो खुद ब खुद उन चीज़ों की तरफ ले जाने लगते हैं जो आपको चाहिए। नंबर 4, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। आप जिस तरह की सिचुएशंस को फेस करते हैं अपने भगवान को और यूनिवर्स को हमेशा आई लव यू कहें, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके पास है इस दुनिया के बहुत सारे लोग उन चीज़ों को पाने से तरस रहे हैं। जब आप उन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे और उनको प्यार करेंगे तो आपको वो चीज़ें और भी ज़्यादा मात्रा में मिलने लगेंगी। यदि आप पैसों के बारे में ऐसा सोचेंगे कि मैं इतने सारे पैसे होने की स्थिति से प्यार करता हूँ, ये स्थिति मुझे पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू, आई लव यू। अगर आप ऐसा बार बार कहते हैं तो आपका एक पॉजिटिव कनेक्शन कम्प्लीटली बनने लगता है, और ये एक ऐसी स्टेज है जहां आप स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपनी चीज़ों को पाना शुरू कर देते हैं। ये है होपोनोपोनो टेक्निक।
ये बेसिकली एक हीलिंग टेक्निक है। क्या होपोनोपोनो जीवन जीने का एक ढंग है? जी हाँ बिल्कुल, होपोनोपोनो भगवान की प्रार्थना करने जैसा है। क्या भगवान की प्रार्थना के लिए हम कोई दिन फिक्स करते हैं? बिल्कुल नहीं, ना ही उसके लिए कोई समय फिक्स होता है। जब उससे जुड़ने का मन करता है, हम प्रभु को मन में याद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपके डेली के सिर्फ 5 मिनट ही इसमें लगेंगे। आप जिस भी चीज को अपने जीवन में बदलना चाहते हैं या दूसरे लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं, उनके जीवन को एक सकारात्मक मोड़ देना चाहते हैं, आप उसके लिए होपोनोपोनो टेक्निक डेली कर सकते हैं। इसे करने का समय, दिन, घड़ी निश्चित नहीं है। आप इसको जब करना चाहें तब कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे काम को करने का कोई सही मुहूर्त नहीं होता, वो जब कर दिया जाए तभी सही हो जाता है। आप किसी बीमारी, प्रेम या किसी जॉब के लिए भी होपोनोपोनो टेक्निक को यूज कर सकते हैं। होपोनोपोनो टेक्निक पास्ट में आई गई सभी नेगेटिव थॉट्स को बदलकर आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके ब्रह्मांड के साथ आपको जोड़ने का एक तरीका है। आप अंत में सोच रहे होंगे, क्या होपोनोपोनो टेक्निक काम करती है? इसका जवाब है, इस दुनिया में आप जिस भी चीज पर विश्वास करते हैं वो आपके लिए 100% काम करती है। जिस पर आप विश्वास नहीं करते वो काम करते हुए भी आपके लिए काम नहीं करेगी। तो सबसे पहला शब्द है विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं तो पत्थर भी भगवान का रूप ले लेता है, और यदि आप विश्वास नहीं करते तो सामने भगवान भी खड़े हों आप उनको पहचान नहीं सकते। इसलिए विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को सही लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।